वफाकी वज़ीर बहरी अमूर अली जैदी को बिलाखिर कराची पोर्ट ट्रस्ट के चेयरमैन एडमिरल रिटायर्ड जमील अख्तर को बर्खास्त करने के मामले पर मुंह की खाना पड़ गई और वफाकी हुकूमत ने अदालत को नवंबर सन 2020 तक मुद्दत मुलाजमत की तकमील तक चेयरमैन केपीटी को ना हटाने की यकीन दहानी करा दी। अटॉर्नी जनरल की जानिब से कराची पोर्ट ट्रस्ट यानी केपीटी के चेयरमैन की बरतरफी का नोटिफिकेशन वापस लेने की यकीन दहानी के बाद इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इस हिदायत के साथ अली जैदी के खिलाफ केस खारिज कर दिया कि वफाकी हुकूमत केपीटी के मामलों में मुदाखलत नहीं करेगी। याद रहे कि चेयरमैन कराची पोर्ट ट्रस्ट को गैरकानूनी तौर पर हटाए जाने से शुरू होने वाला मामला वफाकी वज़ीर बहरी अमूर अली जैदी के गले की हड्डी बन चुका था। इस मामले पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने न सिर्फ वफाकी हुकूमत पर बरहमी का इजहार किया बल्कि वफाकी वज़ीर बहरी अमूर सैयद अली हैदर जैदी के खिलाफ नैब की कार्रवाई का इंदिया देते हुए रिमार्क्स दिए थे कि अली हैदर जैदी ने कराची पोर्ट ट्रस्ट के मामलों में इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया और नैब के बेशतर रेफरेंसेज इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के इल्ज़ाम पर कायम हुए हैं। अदालत की तरफ से इस हवाले से हुक्म इम्तनाई वापस लेने की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी गई थी। अली जैदी ने मुबैना तौर पर अपनी करप्शन छुपाने के लिए चेयरमैन कराची पोर्ट ट्रस्ट एडमिरल रिटायर्ड जमील अख्तर को पिछले महीने इनके ओहदे की मियाद पूरी होने से पहले ही बरतरफ कर दिया था। एडमिरल रिटायर्ड जमील ने अपनी बरतरफी का फैसला चैलेंज किया तो अदालत ने इन्हें बहाल कर दिया। तहम वफाकी हुकूमत की जानिब से अदालती फैसले को चैलेंज किया गया। 3 अप्रैल को चेयरमैन केपीटी को हटाने की दरख्वास्त मुस्तरद होने के बाद 10 अप्रैल को इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने रिमार्क्स दिए थे कि वफाकी वजीर बहरी अमूर अली हैदर जैदी ने कराची पोर्ट ट्रस्ट के ऑर्डर फॉर्म के तकरूर में अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस अतर मीनल्लाह ने एडमिरल रिटायर्ड जमील अख्तर की जानिब से अपनी बरतरफी के खिलाफ दायर दरख्वास्त की समाअत के दौरान इस्तफसार किया कि अली जैदी केपीटी के मामलों में क्यों मुदाखलत कर रहे हैं। 16 अप्रैल को होने वाली समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल खालिद जवेद खान समाअत में पेश हुए और कहा कि वह हुकूमत को बरतरफी का नोटिफिकेशन वापस लेने की तजवीज़ दे रहे हैं और वह हुकूमत को केपीटी एक्ट की दफात के साथ साथ आइन की दफ़ा 10A में दिए गए बाकायदा तरीक़ेकार और अमल में शफाफियत के असूलों पर सख्ती से अमल करने का मशवरा देने का इरादा रखते हैं। जिस पर केपीटी चेयरमैन के वकला अशद उसाफ और राजा जहूरुल हसन और आगा मोहम्मद अली ने कहा कि अटॉर्नी जनरल की जानिब से कानून की मुनसिफाना और हकीकी तशरी के पेश नज़र इनके मुक्कल की शिकायत का अजाला हो गया है। जिस पर अदालत ने हुक्म सुनाया कि चेयरमैन केपीटी की मुअत्तली का नोटिफिकेशन उस वक्त तक मुअत्तल रहेगा जब तक अटॉर्नी जनरल हुकूमत को तजवीज़ न दे दे और हुकूमत इसके मुताबिक कोई फैसला न कर ले। साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि अगर वफाकी हुकूमत अटॉर्नी जनरल की तजवीज़ पर अमल नहीं करती तो दरख्वास्त गुजार जमील अख्तर के पास पटिशन की बहाली के लिए दरख्वास्त दायर करने का इख्तियार है। अदालत ने वफाकी हुकूमत को इस बात की भी इजाज़त दी कि अगर जमील अख्तर के खिलाफ कोई इल्ज़ाम हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। ख्याल रहे कि जमील अख्तर को मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में 23 नवंबर सन 2017 को 3 साल के लिए केपीटी का चेयरमैन मुकर्रर किया गया था। ताहम वफाकी हुकूमत ने अली जैदी के कहने पर इन्हें इनके ओहदे से बरतरफ कर दिया था। इस सिलसिले में 25 मार्च को इस्टेब्लिशमेंट VA से जारी करदा नोटिफिकेशन में कहा गया था कि वफाकी हुकूमत ने इन्हें KPT एक्ट सन 1886 के तहत इनकी तायुनाती की इब्तदाई मुद्दत में कमी करके ओहदे से हटा दिया है जिसका इतलाक फौरी होगा। इस तरह इस्टेब्लिशमेंट VA से जारी करदा एक और नोटिफिकेशन में कहा गया था कि वफाकी हुकूमत वजारत बहरी अमूर के मातहत डायरेक्टर जनरल पोर्ट्स एंड शिपिंग शकील मंगीजो को 3 माह के लिए चेयरमैन KPT का इजाफी चार्ज दे रही है। ताहम इसके बाद एक और नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें वजारत बहरी अमूर का कहना था कि जमील अख्तर को इनके ओहदे से KPT में बेजाबतियों की वजह से हटाया गया। ताहम चेयरमैन KPT का मौकफ है कि अली जैदी दरअसल खुद बड़े पैमाने पर करप्शन में मुलव्वस है और जब इन्होंने इनकी करप्शन पर सवाल उठाए तो इन्हें बरतरफ कर दिया गया। यूट्यूब पर गूगली न्यूज देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।